हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्रोम ब्राउजर की पूरी हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहला स्टेप है आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है और यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे माई एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम दिखाई देगा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अलवेज के ऊपर क्लिक कर देना है अलवेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटा देना है और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे सर्च को सिलेक्ट कर देना है सर्च को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा अगर ऑप्शन नहीं दिखाई देता तो आपको यहाँ पे किसी और जगह पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उसे फिर से अनसिलेक्ट कर देना है और सिर्फ यहाँ पे सर्च को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है डिलीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है ओके करने के बाद आपको बैक आना है दूसरे स्टेप के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे टाइम रेंज दिखाई देगा आपको सिंपली यहाँ पे टाइम रेंज को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑल टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है और नीचे यहाँ पे क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे पूरी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी